तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या करता है कि जो भी चीज हम सेंटेंस में रख रहे हैं तो उसको अगर कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो वो चीजों को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता ही है, यानी बांटने का काम करता है। तो इसमें बेसिकली तीन तरह के वर्ड्स आते हैं, ईच, आइदर एंड नाइदर। ये तीन वर्ड्स जो हैं बेसिकली क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था दिस, दैट, दीज और दोज, इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं क्योंकि वो किसी न किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। ये जो है बेसिकली एग्जैक्टली डिविजन का काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको एहसास जरूर होगा, यू विल फील दैट समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, ईच Boy has a pen. यहाँ पे जो हम सेंटेंस यूज, ईच बॉय, ईच बॉय तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया, ईच ऑफ यू हैज अ पेन, ठीक है। अब ये देखो क्या करा, ईच ऑफ यू हैज अ पेन। इस सेंटेंस में अगर तुम देखोगे तो हम यहाँ पे यू जो बोल रहे हैं, यू यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, यू यू यहाँ पे कोई सिंगल आदमी नहीं है। ईच ऑफ यू यानी तुम में से हर एक के पास क्या है, एक कलम है, तुम में से हर एक के पास एक कलम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो सेंटेंस स्टेटमेंट बोल रहा है वो हर एक की इंडिविजुअली बात कर रहा है। तो जो भी चीज यहाँ पे बोली गई है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है किसके ऊपर, हर एक के ऊपर, है ना, किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर ये नहीं लागू हुई है, ये एक एक इंडिविजुअल के ऊपर ये क्या हुआ है, लागू हुआ है। उसी तरीके से मान लो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस। अब यहां पे आइदर का जो यूज होता है ये दो का यूज होता है, ठीक है। आइदर मतलब तुम दोनों या कोई दो चीजें, उन दोनों की बात होती है, ठीक है। सो आइदर ऑफ यू कैन डू दिस, तुम में से, तुम दोनों में से कोई भी इस काम को कर सकता है। इट कैन बी टू ग्रुप्स ऑल्सो, ठीक है, दो ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को हम एक एक करके आइदर नहीं बोल सकते, उसके लिए हम लोग ईच का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आइदर का यूज हम लोग किसी दो के यूज के यूज करने के लिए करते हैं। वो दो एक एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो दो एक ग्रुप भी, एक एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ तो उसमें बेसिकली जो वर्ल्ड था, पूरी दुनिया दो पार्ट में बटी हुई थी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आइदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू कुड स्टॉप द वर्ल्ड वॉर बिफोर इट कुड हैपन, है ना। इससे पहले वो होता तो या हो सकता, दोनों में से कोई भी साइड जो है उस वर्ल्ड वॉर टू को स्टॉप कर सकता था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आइदर का यूज इस तरीके से हम लोग करते हैं। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ यू कैन डू दिस, यानी तुम में से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। नाइदर ऑफ यू, दो लोग हैं, दोनों में से कोई भी इस काम को नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम नॉर्मली कह भी सकते हैं ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस वन? नो सर, नो सर। चलो ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट, फटाफट नोट कीजिए इसको। वेट फॉर अ मोमेंट। हम यहाँ पे कह सकते हैं प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट इंस्टेड ऑफ वेट फॉर अ मोमेंट। वेट फॉर, ओके सर। थोड़ा सा ऑर्डरिंग हो जा रहा है, ठीक है, हम आपके टीचर हैं, थोड़ा सा पोलाइटनेस अगर बोल देंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। आपके संगत में रह रहे सोच रहे हैं थोड़ा सीख जाए। ऑफ कोर्स यू आर हियर टू लर्न, सीखने के लिए आए हो, इसलिए तो सिखा रहे हैं कि वेट फॉर अ मोमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें, यानी पोलाइट इंग्लिश की बात करें, तो उसमें ये गलत माना जाएगा। अपने से
छोटे बड़े हर एक के साथ हम प्लीज, ये कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं इनका यूज करना चाहिए, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, है ना, इन सब वर्ड्स का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। जैसे मिसाल के तौर पे तुम गए कहीं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, या सब्जी मार्केट, शॉपिंग मॉल ही मान के चलते क्योंकि नॉर्मली सब्जी मार्केट में लोग इंग्लिश कम ही बोलते हैं, लेकिन सॉरी जरूर समझते हैं। तो मान लो तुम सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए, और कई बार ऐसा होता है एबसेंट माइंडनेस होने की वजह से हम सब्जी तो ले लेते या कोई सामान खरीदते और पैसा देना भूल जाते और रिटर्न होने लगते, होता है ना? तुम में से हुआ है किसी के साथ ऐसा? यस सर, मेरे साथ हुआ है। और बस ऐसे ही ध्यान कहीं और था तो फिर वापस लौट के सब्जी देना, पैसा देना भूल गया, तो अचानक से वो जो वेंडर होता है द इंटरप्ट यू, आपको रोकेंगे और कहेंगे कि भैया पैसा, तो अब आप क्या उसको पैसे दे दोगे? वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसको बोल दो सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो एक रैपो जो है ना उनके साथ बनिए, वो समझेगा नहीं ठीक है गलती हो गई। और अगर आप कुछ नहीं बोलते तो बोलते हो सीधा पैसा निकाल के देने लगते हो, तो कई बार माइंड में जाता है कि अच्छा ये जानबूझ के निकल रहा, मैंने पकड़ लिया इसलिए पैसे दे रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कनेक्ट करता है लोगों को, लोगों के दिलों को छूता है। थैंक यू वैसा ही वर्ड है। नॉर्मली हम लोग जैसे स्कूल में ही हम लोग हैं, ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा, मैं जो दीदी होती थी जो मतलब जो हमारे लिए स्कूल में सफाई वगैरह का काम करती थी, उनसे मैंने अगर कुछ बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाया तो नॉर्मली जब वो कोई चीज़ हमारे को ला करके देती थी या चाहे स्कूल में चाय ही ला करके देती, मैं उनको थैंक यू दीदी जरूर बोलता था। इससे क्या होता ना, एक रेस्पेक्ट बढ़ती है ना, वो लोग की दे डिजर्व रेस्पेक्ट, इजंट इट? सब लोग तो एक ही हैं। सो फॉर दिस थिंग वी नीड टू हैव दीज वर्ड्स इन आर डिक्शनरी, इन आर डेली यूसेज इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं बहुत एक इफेक्ट पड़ता है जिससे हम बात कर रहे हैं। वैसे यू नो दीज थिंग्स, बट मेरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट्स अ ड्यूटी फॉर ऑफ माइंड टू टेल यू दीज ऑल थिंग्स, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑलराइट स्टूडेंट, मच गए सर, वंडरफुल। अविनाश बोलेगा फिर से खाली सर ज्ञान देने लगे। नो सर, जो ज्ञान देना है तो मेरा काम है। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं सर, बोलेगा तुम कैसे हमको मारो खाना है। देखो नहीं, वो मणिकांत सर का डायलॉग क्या था, अब जवान है रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जाएगा तो सर मणिकांत सर सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बच्चा नहीं, वो बच्चा नहीं है। चलो ठीक है, ओके सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, नाउ विल टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, दो वर्ड्स होते हैं इसमें, ईच अदर एंड वन अनदर, इनको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स ऑल, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। यस सर, कंप्लीटेड। अगर बेसिकली आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक दूसरे को, जो कहते हैं ना हिंदी में हम लोग, एक दूसरे को, जैसे वो एक दूसरे को नफरत करता है या एक दूसरे से नफरत करता है, तो दे हेट ईच अदर, वो दोनों जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे के समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ एक दो टेक्निकल टर्म्स भी हैं, उनको थोड़ा समझना होगा और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, समझो इसको। सो रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाता है
अपने से बाद वाले नाउन या प्रोनाउन, सॉरी अपने से बाद वाले वर्ड्स या सेंटेंस के साथ। मैं दोबारा बोलता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाता है, किसके साथ, अपने से बाद वाले वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। सो रिलेटिव का मतलब क्या होता है बताओ जरा सा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिश्तेदार है क्या? ऑफकोर्स रिश्तेदार होता है, और ये बना है किस वर्ड से? रिलेशन से बना है। किससे बना है? रिलेशन, और रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। तो रिलेशन से बना है रिलेटिव, यानी रिश्ता से बना है रिश्तेदार। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो समझ गए मैं, जैसे डेफिनेशन बनाया तो ये रिश्ता बनाने का काम करता है, ठीक है। तो मैरिज ब्यूरो है इसका, है ना अविनाश? यस सर। और कुछ है तो बता दो, और भी कुछ होता है क्या तुम लोग के जमाने में? और क्या, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल, अच्छा होता होगा, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। सो रिलेटिव प्रोनाउन is has been transformed from relation, relation से बना है relative, और relative से बना है relative pronoun। तो definitions के इस पे आ जाते हैं। It creates relation, it create relation between the noun or pronoun used before it and the word or group of words used After it, समझ गया? So it creates a relation. It creates a relation between the noun or pronoun used before it and the word or group of words used after it. यानी ये relation बनाता है noun या pronoun जो इससे पहले use किया गया है, ठीक है, और वो शब्द या शब्दों का समूह जो इसके बाद यूज किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। सर सर सुनिए, हाँ बोलो, एक बार फिर से बताइए सर, पापा का फोन आ गया था। ठीक है, एक मिनट वेट करो। So ready ho? Yes sir। हाँ, so relative pronoun समझ लो क्या है, दोबारा से explain कर देते हैं। So a relative pronoun is a pronoun which creates a relation between the noun or pronoun used before it and the word or group of words which is used after it। अब समझो एक example के through तो ज़्यादा clearly समझ में आ जाएगा। Now see here, he is the boy who met me yesterday, he is the boy who met me yesterday। तो अब देखो इसका मतलब है ये वही लड़का है जो मुझसे कल मिला था। तो
यहाँ पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, समझना ध्यान से तुम लोग, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, तो इससे पहले ये बॉय जो है ये क्या है, नाउन है ना? यस सर। और ये क्या कर रहा हूं, इस बॉय का रिलेशन बना रहा है किसके साथ, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, समझ गए? तो डेफिनेशन के हिसाब से देख लो, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन विच क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर इट एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड आफ्टर इट। समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो इस तरह के यूसेज को हम लोग रिलेटिव, इसमें नॉर्मली हु, व्हाट, दैट है ना, इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। हु का भी यूज होता है, दैट का भी यूज होता है, विच का भी यूज होता है इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन में बस। लेकिन ध्यान ये रखना कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो वैसा ही होगा, यानी कि जो भी आएगा, चाहे दैट आए, ठीक है, चाहे विच आए, वो हमेशा अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा किसके साथ, अपने से बाद वाले वर्ड्स के साथ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ, ठीक है। इसको नोट करो, कंप्लीटेड सर। रोहन तुम्हारा हो गया? यस सर। ओके, नाउ वी विल मूव टू इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए ना? नो सर। सर एक बात पूछे। हाँ हाँ सर, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? देखो, यूजुअली अगर बहुत सारे ग्रामर के बुक में देखो तो 8 होते हैं, लेकिन हम लोग जब जिस किताब को रेफर कर रहे हैं उसमें 10 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने शायद 8 पढ़ लिया है, राइट? हाँ। तो 8 पढ़ना है, 2 और रह गए हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन रह गया है और इनडेफिनिट प्रोनाउन रह गया है। इनको थोड़ा सा, अब इसमें क्या है कि इंटरोगेटिव तो बहुत ईजी है, देखो बेसिकली जैसे टफ होता है समझने के लिए, टफ क्या है तो बहुत इजी ही सारे, लेकिन जो मेजर होता है उसमें तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पैसिव प्रोनाउन हो गया, एम्फैटिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेटिव हो गया और इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को समझना बहुत आसान होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत ईजी है, दिस दैट दिस दोस। डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत ईजी है, ईच आइदर नाइदर। रेसिप्रोकल बहुत ईजी है, ईच अदर वन अनदर। इंटरोगेटिव सवाल पूछने के लिए, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। बाकी जो हमने 6 डिस्कस किया है उसको थोड़ा समझना भी पड़ता है, क्योंकि बेसिकली प्रोनाउंस में ज़्यादा यूजेज उन्हीं के आते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जैसे ईच आइदर ईच की बात करें तो ईच हम लोग डिटरमाइनर्स में भी पढ़ते हैं, राइट? जो हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ाई होती है ईच की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन जो मैंने बाकी जो प्रोनाउंस 6 प्रोनाउंस का डिस्कशन किया है, ये हार्डकोर प्रोनाउंस में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना? और इंटरोगेटिव वर्ड्स तो चूंकि हम लोग जब ट्रांसलेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट? और उसके बाद कई बार होता है कि क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर के स्ट्रक्चर्स में हम लोग बहुत काफ़ी प्रैक्टिसेस हो जानी होती है। लेकिन जो 6 प्रोनाउंस अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, पर्सनल प्रोनाउन, पैसिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जो कुछ प्रोनाउंस हैं, 6 प्रोनाउंस हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। बाकी जैसे कि मान लो, अगर मान लो तुमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे मैंने बताया था कि कई बार हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, हम लोग बोलते हैं माई सेल्फ खालिद। तो अब देखो, ये माई सेल्फ खालिद किसी हिसाब से कोई करेक्ट सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक,
दो तरह के प्रोनाउंस है जहां पे myself आता है, है ना? क्या आता है कि नहीं आता है? यस सर। तब तुम बताओ, खालिद तो नाउन है, नाउन के ठीक बगल में ये प्रोनाउन कहां से आ गया? आ सकता है? मैंने तो कोई ऐसा ग्रामर नहीं पढ़ा है जहां पे नाउन के ठीक बगल में प्रोनाउन यूज हो जाए। नहीं सर। तो इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कई बार आप लोग स्टेजेस पे भी कहीं बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं इसको बताते हैं। तो यूजुअली अगर आप बेसिकली यूज करना चाहते हैं अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को, तो आप लोग माई नेम इज का यूज करिए, ठीक है? माई नेम इज, या फिर आई एम, ठीक है, या दिस इज, इस तरह। ये सबसे ज्यादा फॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि बचपन से हम लोग इसको सीखते आ रहे हैं और कहीं से कोई डिबेट भी नहीं है इसके ऊपर। वैसे ये भी बोल सकते हैं आई एम देयर और दिस इज भी चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने रेकमेंड किया है लोगों को, कई इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो आप इसका यूज करें। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यह स्टेटमेंट सही है। एक बार मुझसे जब मैंने ये किसी को बताया कि ये गलत है, तो उसने मुझसे कहा कि कपिल शर्मा में कपिल तो बोलता है मायसेल्फ कपिल शर्मा। तो मैंने कहा कि कपिल शर्मा एक कॉमेडी शो है, ठीक है? तो कॉमेडी शो के अंदर आपको गलत बोलेगा तभी आपको हंसी आएगी, राइट? तो मैक्सिमम टाइम पे जो जोक्स होते हैं वो क्या सच्चे जोक्स थोड़ी होते हैं। आदमी जोक yes. बनाता ही, अब संता बनता का जो जोक्स बनता है, क्योंकि वो सारी रियलिटी है, तो इट्स ऑल फिक्शन, है ना? बहुत सारे जोक्स जो हैं वो फिक्शनल होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक क्रिएट में उसमें कैरेक्टर होता है। तो आप उस स्टेटमेंट को नहीं ले सकते कि वो सही है ग्रामेटिकली, आपको ऑथेंटिसिटी को चेक करना पड़ेगा कि क्या ग्रामर के किसी भी वेबसाइट पे, इंग्लिश की किसी भी वेबसाइट पे ये ऑथेंटिसिटी दी गई है स्टेटमेंट को कि नहीं दी गई। तो फिर जाकर के आप डिबेट कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं कि जो आपने कहा है वो सही है। वैसे इस चीज को लेकर के आप 100% कॉन्फिडेंस रहें कि ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। कैजुअल में तो हम लोग यस को या भी बोलते हैं, तो या क्या ग्रामेटिकली सही हो जाएगा? नहीं होगा सर ना, है कि नहीं? कई बार लिटरेचर की बुक में डायलॉग्स जो लिखे जाते हैं, तो वो डायलॉग्स किसके लिखे जाते हैं? अब मान लो आप प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अब वो किसी गाँव के दृश्य को दिखाना चाह रहे हैं, तो गांव के दृश्य में बिहार के किसी गांव को दिखा रहे हैं, मैथिली जहां बोली जाती है, तो वहां पे तो उसका जो कैरेक्टर का स्टेटमेंट है गांव वाले का, वो तो मैथिली में ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? वो थोड़ी शुद्धि में बोलेगा। यस। तो उसको आप बोलेंगे कि नहीं, इतने बड़े राइटर प्रेमचंद ने अपने लिटरेचर के अंदर इस तरीके से लिखी है, तो वो हिंदी है, तो उस तरीके से हिंदी, तो वो गलत है। सेम चीज ये होती है कि जब इंग्लिश के बहुत सारे राइटर्स होते हैं, ठीक है, जब वो किसी कंट्री साइड, किसी गांव के एरिया के किसी कैरेक्टर को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, या उसकी किसी डायरेक्ट स्टेटमेंट को रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकली सही हो, है ना? वो उसका अपना स्टेटमेंट है जो उसने कहा, ठीक है? तो इसलिए हर चीज को लेकर के आपको समझना जरूरी है कि वॉट इज करेक्ट एंड वॉट इज नॉट करेक्ट। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। आप किसी भी, मान लो आप किसी प्रोफेशनल ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो डीएम को लेटर लिख रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिख रहे हैं, और आप क्या लिखेंगे? या आई एम गुड, आई एम ग्रेट, ऐसे तो लिखेंगे? या लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे आप, तो नहीं लिखेंगे आई वॉन्ट टू स्टेट दैट। नो, यू कैनॉट राइट इट, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, बट पीएमओ को लेटर लिखना आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश में कमी है, आपके अंदर कमी जो तहजीब नहीं है कि आप कैसे अपने फिंगर से बात करें। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द इंडेफिनिट प्रोनाउन। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर? हो गया तुम्हारे सवालों का जवाब? मिल गया? आ जाओ, तो हम आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। तो इंडेफिनिट जो वर्ड है, इसका मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया हुआ जब हमने आर्टिकल्स पढ़ा था, बताया था आर्टिकल्स जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको इनडेफिनेट का मीनिंग बताया होगा कि इनडेफिनेट किसको कहते हैं, किसको याद है? उस दिन मैंने रोहन से भी पूछा था, कल भी इस बात का डिस्कशन किया था रोहन ने, इनफिनिटी बताया था रोहन। हाँ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट?
अनिश्चित अनिश्चित वेरी गुड यानी व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग तो इंडेफिनिट का मीनिंग हम लिख सकते हैं अनश्योर क्या लिख सकते हैं अनश्योर यानी हम किसी भी चीज को लेकर के श्योर नहीं है तो हमारा जो अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन उसमें भी वही चीज कही जाने वाली है तो आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं इट डजंट स्पेसिफाई और रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इट डजंट स्पेसिफाई और रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यानी कि ये किसी एक खास पर्टिकुलर मतलब क्या होगा एक खास किसी इंसान या किसी चीज के ऊपर स्पेसिफाई नहीं करता है उसको रेफर नहीं करता है ये जब बात करता है तो हमको पता ही नहीं होता है हु इज द एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शन समझ गए तो जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं समवन हैज स्टोलन माय पेन मैंने ये स्टेटमेंट लिखा समवन हैज स्टोलन माय पेन अब आप देखें यहां पे समवन से क्या समझ में आ रहा है आपको किसी खास के बारे में बात हो रही है डू वी नो कैन वी आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट डूअर ऑफ द एक्शन क्या हम यहाँ पे एग्जैक्ट सब्जेक्ट का पता लगा पा रहे हैं नो सर नहीं लगा पा रहे हैं तो चूंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन ठीक है और ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है सो दिस इज व्हाई इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गई बात उसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो और भी हो सकते हैं एनी वन नो वन ऑल इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हो जाते हैं सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड आस्क मी समझ में आ गया तो ठीक है अदरवाइज इसका नोट बनाइए सर इसका और भी एग्जांपल क्या हो सकता है एक दो और का जैसे एक दो और एग्जांपल्स बनाना चाहो तो लिख सकते हो ऑल आर हैप्पी इन द क्लास ऑल कोई पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे हम लोग Many of them were present. Many of them were present. यहाँ पे many हो गया अलग गया ना तो ये सब क्या हो गया सारा indefinite pronoun हो गया Any one of you ठीक है No one has done this. हो गया सर